क्या आपकी भी इच्छा है बांसुरी के अंदर मेरे को भी हैप्पी बर्थडे वाली ट्यून आनी चाहिए, मैं भी मेरे फ्रेंड या किसी के घर पे जाऊं या उसके बर्थडे पे जाऊं तो ये वाली ट्यून जरूर सुनाऊं। तो मैं आपको बता दूं, बहुत ही इजी, बहुत सरल है, आप आसानी से बजा सकते हो। अगर आपको सरगम सारेगामा पादानी से भी आती है तो भी आप आराम से ये जो हैप्पी बर्थडे वाली ट्यून है वो आराम से बजा सकते हो। तो मेरा नाम हर्ष भाटिया, आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट रहती है, वीडियो कहीं पे भी अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। और ऐसे ही और सॉन्ग सीखने के लिए, बांसुरी में कोई सी भी जानकारी पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे मेरे और से बहुत से वीडियो सबसे पहले आपको मिलते रहे। तो 2 मिनट लगेगी अपन, क्योंकि मैं आपको थोड़ा टाइम लगेगा, 2 मिनट से 3 मिनट भी लग जाए तो भी मैं, क्योंकि आपको बहुत सरल तरीके से सिखाने वाला हूँ। तो अपन स्टार्ट करते हैं। पहले देखो स्लो है, हैप्पी बर्थडे टू यू, यानी एकदम नॉर्मल है। तो ये कैसे बजेगा, पहले मैं बजा के बता देता हूँ, ठीक है। मतलब ये जो अपना नीचे का मैं पूरी पूरी फ्लूट आपको दिखा देता हूँ, ये पूरी पूरी मेरी फ्लूट हो गई। अब जो नीचे का है इसको अपन क्या करेंगे, इसको क्या बोलते हैं, प बोलते हैं अपन। तो प, फिर ये क्या हो गया, ध, एक उंगली उठाते वापस प, यानी क्या बजाना, प प ध प, समझ गए। हैप्पी बर्थडे, देखो वापस, हैप्पी बर्थडे प प ध प सारे, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, समझ गए, प प ध प सारे। पास में नोट्स लिखे हुए हैं तो आप नोट्स को देख लेना तो आपको और भी ध्यान आ जाएगा। फिर आगे क्या है, हैप्पी बर्थडे टू यू, नहीं ऐसे, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, यानी ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाएगा, यानी सेकंड लाइन है। पहले क्या थी, हैप्पी बर्थडे टू यू नॉर्मल, अब थोड़ा सा ऊपर जाएगी तो हैप्पी बर्थडे टू यू, ठीक है। सेम नहीं है, ध्यान देखना ये कैसे बजेगी। देखो यहाँ तक तो सेम बजाना है, प प, 2 बार प, फिर ध प प ध प। अब थोड़ा सा स्पीड लेने के लिए क्या करना पड़ेगा अपन को, यहाँ जो है ना, अब मेरे ऊपर वाली ये क्या, सा, अब इसके ऊपर रे, रे, पहले क्या बजाया था अपने, सा, ये बजाया था ना सा नी, अब क्या बजाना है, रे सा प ध प रे सा, दोनों एक साथ बजाता हूँ, आपको ध्यान में जाएगा इनमें अंतर क्या है। ठीक है, ये इसमें अंतर आएगा और आपको मैंने बता दिया कि अलग अलग ही किस तरह से बजेगा। अब आगे क्या, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू माय डियर, यहां तक अपन बजाएंगे, ठीक है। तो आगे क्या होगा, ह पापा वापस, प प प प प प, तिरवा प, तिरवा पे बजाने के लिए ये जो ऊपर वाली उंगली है ना, ये देखो 2 पैर से बजा लिए, फिर ये 3 वाला पूरा बंद, प 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 प, फिर ये अपना ग म, ग रे सा नी, ग रे सा नी, हैप्पी बर्थडे, देखो सीधा देख लो, हैप्पी बर्थडे टू माय डियर, हैप्पी बर्थडे, देखो वापस, सॉरी, प प प, मतलब हैप्पी बर्थडे टू माय डियर, समझ गए, प प प ध ध है क्या, सॉरी, प प प प प प ग रे सा नी, ठीक है। तो ऐसे अपन बजाएंगे, वैसे आपको नोट्स लिखना है तो और ध्यान से दे लेना, बिल्कुल सरल है, थोड़ा सा नोट्स में नोट्स एकदम परफेक्टली आपको मिल ही जाएगा। तो इससे बाद में क्या होगा, वापस, हैप्पी बर्थडे टू यू, ये इसका लास्ट का अंतर है। तो ये कैसे बजेगा, देखो मैं आपको ये पूरी 3 लाइन सुना देता हूँ एक बार, ठीक
आगे वाला अभी ऐसे कहेंगे, इसमें क्या था आधा वाला मम ग सारे सा हैप्पी बर्थडे टू यू देखो लास्ट वाला मम ग सारे सा नोट्स आपको देखो है तो ये अपना हैप्पी बर्थडे हो गया। कोई भी दिक्कत आए तो आप मेरे को और पूछ सकते हो, बाकी मैंने आपको देखो उंगलियों से भी बता दिया और नोट्स भी लिखे हैं तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो आपको कहीं पे भी अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर लेना और ऐसे ही और वीडियो देखने के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना जिससे मेरे सबसे पहले आपको वीडियो मिल सके और आप मेरे चैनल से जुड़ सको, मेरे से जुड़ सको। आज के लिए इतना, बाय।